झारखंड के फुसरों में पहुंचते ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल को लिखित आवेदन दिया गया है, हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनको बर्खास्त किया जाए। झारखंड सरकार में लूट मची हुई है, कोयला, बालू और लोहे की लूट हो रही है, यहाँ तक कि जमीन भी लूटी जा रही है। ने तो राज्यपाल को लिखित में दिया है कि भाई सरकार ने पद का दुरुपयोग किया है हेमंत सोरेन जी, इसलिए उनको बर्खास्त करते हैं। हम देखिए क्या करता है गवर्नर, हम लोग तो गवर्नर को लिखे तो आती है। हम लोग हम तो चाहते हैं हेमंत सोरेन 5 साल तक राज करे, लेकिन राज को लूटे नहीं, लुटेरों को भगावे, अपराधियों को राज को भगावे, लूट में शामिल रहे, लुटेरों को संरक्षण दें, फिर हम लोग लड़ाई करें। अभी दारू का हो रहा है ना, मैं तो कहा कि भाई दारू जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की 4 कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सब सरकार काम कर रही है, गलत का बैंक डिपॉजिट है जो गारंटी है उसको गलत जब्त करना चाहिए और काली सूची में डाल करके नए सिरे से उपायुक्तों को निर्देश सरकार को देना चाहिए और जिला स्तर पर लोग ऑक्शन करें ताकि झारखंड के जो बेकार बेरोजगार नौजवान लोग हैं ठेका टेंडर ले सके और लोग रोजगार कर सके। भाई कोयला लुटवा रही है, पत्थर लूट रही है, बालू लूट रही है, जमीन लूट रही है, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से क्या लगता है, कितना सरकार हटेगी देखिएगा ना।